नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं दिलकुश राजपूत जी, जिनका हाल ही में ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ है। तो इनसे दो चार बातें करेंगे अपन। तो आपने जुगल सर क्लासेस कोचिंग कब ज्वाइन करी थी? मैंने 2019 में की थी, जब इसकी नींव रखी थी, जब जुगल सर क्लासेस की, मतलब जो फर्स्ट स्टूडेंट थे वो हम ही थे। हमारा जो बेस था वो फर्स्ट था, मतलब। मतलब आप स्टार्टिंग से ही ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे या हाँ, अन्य कोई तैयारी कर रहे नहीं, थे? ग्रुप डी की। ग्रुप डी की। हाँ, आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाला तो जैसे मेरा होम जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो कोटा ही है, लेकिन जो कोटा। गांव है मेरा, जो कोटा से 70 किलोमीटर है, झालावाड़ साइड। इन्होंने जो तैयारी स्टार्ट करी थी 2019 में, जब फॉर्म भरने में आए थे ग्रुप डी के, उसी टाइम पे इन्होंने फॉर्म भरा और कोचिंग ज्वाइन करी। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में आपने तैयारी उसी टाइम से स्टार्ट कर दी। हाँ, फिर उसके बाद में तैयारी में, जैसे कि यदि मैं बात करूं तो एग्जाम आपकी हुआ 2022 में, लेकिन फॉर्म आपने भर दिया 2019 में। इसी बीच में कोरोना आ गया था, कोविड आ गया था, इस वजह से एग्जाम डिले हुआ। कोरोना के टाइम पे आपने किस तरीके से पढ़ाई करी? कोरोना के जो टाइम पे था, तो उस टाइम पे मैं गांव था, लेकिन गांव में जाने के बाद भी मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा, नहीं मतलब। वहाँ अच्छा। पे जो प्रैक्टिस सेट थे, तो जो प्रैक्टिस सेट निकाला और जो मैथ रीजनिंग थी उसकी, मतलब डेली जो प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस की, मतलब। अच्छा, हाँ, जैसे कोचिंग की मैं बात करूं तो कोचिंग में कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती थी जिनकी वजह से थोड़ा ये संभव हो पाया? जब मैं कोचिंग करता था तो यहाँ पहले तो 5-6 घंटा जो क्लास चलती थी उसमें रहते थे ऑफलाइन। फिर वहाँ ठीक। से आने के बाद जब आते थे, शाम को आते थे, तो लाइब्रेरी ज्वाइन की, 5-6 घंटे यहाँ बैठते थे। उसके बाद फिर 2 घंटे रोजाना एक प्रैक्टिस सेट निकालते थे यहाँ भी, जो समस्या होती थी उसका जो लिखकर सोल्यूशन करवाते थे जुगल सर। अच्छा, हाँ, आपने कितने प्रैक्टिस सेट लगाए यहाँ पर कंप्यूटर लैब में? अगर जुगल सर कोचिंग की बात करते हैं तो कम से कम यहाँ 200-300, 200 तो यहाँ लगा दिए होंगे मैंने। अच्छा, और टोटल टोटल तो 400-500 के आसपास लगाए बीच में हैं। कोविड आ गया, फिर घर पे लगाए है हाँ, ना? घर पे लगाए डे जो है प्रैक्टिस सेट, वो रोजाना निकाल। सर एक बात बोलते थे कि चाहे कुछ आओ चाहे मत आओ, प्रैक्टिस सेट हमेशा निकालो। उससे क्या है, अब जो है कमी है ना उसको पता चल जाता है, और बच्चे को हमेशा वही उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए जहाँ से अपने नंबर कट रहे हैं ना। प्रैक्टिस सेट निकालो, नंबर अपने कट रहे हैं उस टॉपिक को हमेशा आगे रखे, बिल्कुल। आगे रखो, तैयारी करो। और जहाँ से नंबर आ रहे हैं उसे पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, और जहाँ से कट रहे हैं ना उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जुगल सर के बारे में और कुछ कहना चाहते हो कि भाई क्या सहयोग रहा इनका, कोचिंग का क्या सहयोग रहा? जो जुगल सर ने मैं फिजिक्स पढ़ाई थी, वैसे तो कोचिंग वाले 2-3 महीने में ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो जुगल सर ने फिजिक्स पढ़ाई उसमें से कम 4 महीने में ख़त्म की इन्होंने। मतलब हर एक जो टॉपिक था उसको बारीक से पढ़ाया, और हर टॉपिक पे चर्चा की, और जो भी अगर सोल्यूशन कोचिंग में ना होता था, मतलब जिस टाइम पे क्लास में है, तो उसको बाद में बुलाते थे और बाद में फिर सोल्यूशन करवाते थे कि ये भाई ये क्वेश्चन है, इसे लेके आओ। और सर हम बोलते थे कि अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट हो, घर पे जो निकालते थे सेल्फ स्टडी में, तो उसको लेके आते थे हम और फिर वो करवाते थे यहाँ। कोविड के टाइम पे ऑनलाइन कोर्स भी दिया होगा आपको पढ़ने के लिए? हाँ, लिया था, पढ़े उससे। हमेशा मतलब जो मैथ रीजनिंग है उसको आगे लेके चलना चाहिए। मतलब आपने तैयारी में बिल्कुल भी गैप नहीं दिया कभी भी, है हाँ, ना? बिल्कुल भी गैप कंटिन्यू नहीं। हाँ, लगे रहे, चाहे कोविड कंटिन्यू। हो, चाहे कोई भी समस्या हो, हाँ, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कंटिन्यू बने रहे कंटिन्यू आप। जो मैथ रीजनिंग उसे तो कंटिन्यू और बनाओ। उसी का नतीजा है ये हाँ कि आपका सिलेक्शन हुआ। आपको हाँ बहुत बहुत बधाई वैसे। थैंक यू सर। और आपके साथ जो दोस्त पढ़ते थे उनमें से किसी का हुआ है क्या? हाँ, एक का हुआ है जो जिससे मेरे कांटेक्ट में हैं, और भी लगे हैं लेकिन जो कांटेक्ट में है अभी फिलहाल, तो वो है किशन मुरारी गुज्जर है, बूंदी का। हम दोनों मतलब साथ ही आते थे, हम क्लास साथ में लेते थे, लाइब्रेरी साथ में, जो इनकी मॉक टेस्ट निकाले वो साथ में, दोनों में से एक ही बात करते थे कि किस तरह से पढ़ाई करें, किस चीज़ को पढ़ें। और लाइब्रेरी का कितना सहयोग रहा इसमें? देखो, सबसे ज़्यादा अगर सहयोग की बात करें तो क्योंकि लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा है। उसमें सेल्फ स्टडी का रहता है हाँ मैंने ना, हाँ सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी है, क्योंकि रूम पे तो जाके क्या है, कुछ भी। आलस आ हाँ, जाते हैं आलस, कभी। बेड दिखता है तो सो जाते हैं, चलो ठीक है, थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर सो जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी माहौल अच्छा रहता है। बिल्कुल। हाँ, तो आप अपने दोस्तों से और क्या कहना चाहोगे कि भाई? हाँ। दोस्तों से तो यही है कि अगर या तो पढ़ाई करो मत, अबे बिल्कुल। करो तो दिल जान से करो,
जो माता पिता का भरोसा है उसे तोड़, मतलब तोड़ो मत, यही है। और जो प्रैक्टिस है उसे लगातार लगाओ, चाहे कुछ आओ चाहे मत आओ, चाहे 5 नंबर आ रहे हैं अपने प्रैक्टिस में, फिर भी लगाओ उसे, कुछ तो पता चलेगा कि पेपर कैसे आता है, और पेपर के हिसाब से तैयारी करो, जैसे वो आ रहा है उसी हिसाब से पूरा। जैसे अन्य सब्जेक्ट है, जैसे करंट अफेयर हैं, जीके जीएस हैं, इनके बारे में कुछ? हाँ, करंट, अगर जो करंट पढ़नी है तो करंट के साथ जो हिस्ट्री आती है, जो करंट में जो चीज चल रही है ना, उसी से जो रिलेटेड है वो वर्ल्ड वर्ल्ड पूछता है वो। जैसे करंट में कुछ, संविधान में कुछ हुआ अनुच्छेदों में, तो आप ध्यान रखिए कि जो पुराना है वर्ल्ड में जो संविधान है उससे रिलेटेड, तो वहां से वो पूछ लेगा। क्योंकि आजकल जो पेपर बनते हैं इसी टाइप से बनते हैं। जैसे मैं बात करूं कि करंट में जो टॉपिक चल रहा है, हाँ करंट में जो ट्रेंडिंग में है, हाँ या कुछ उतार चढ़ाव हुआ है, कुछ संशोधन हुआ है, तो हाँ उसको कनेक्ट करते हुए पुराने टॉपिक से भी पूछे जाते हैं और करंट से भी पूछे हाँ जाते ये हैं, बिल्कुल सही है। है ना? हाँ, और इसी से रिलेटेड तैयारी करनी चाहिए। आप बिल्कुल। करंट डेली पढ़ो, और उसी से रिलेटेड आप पुराना जो टॉपिक है अपना, हिस्ट्री हो चाहे भूगोल हो चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल। उसे जरूर पढ़ो। तो ये है दोस्तों, और कुछ कहना चाहते हो आप अपने मन से? मन से तो यही है कि देखो, तैयारी अच्छी तरह करनी चाहिए, इसमें कुछ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो सफलता है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, चेयर पे जो बैठना पड़ता है वो कम से कम 12 12 घंटे बैठना पड़ता है। सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। हाँ तो देखिए दोस्तों, ये है, और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं जुगल सर क्लासेस। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, क्योंकि 20 नवंबर से नए बैच प्रारंभ होने जा रहे हैं। लोको पायलट, एसएससी, बैंक और रेलवे में जितनी भी होती हैं, जेई हो गया, एसएससी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सभी की तैयारी करवाई जाती है। आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन दोनों कंप्लीट हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी को।